ये एटीएम कार्ड है, ऐसे उंगली रहती है, ऐसे उंगली, ये ऐसे बटन दबा देते हैं, इससे मशीन हैंग हो जाती है। जब तक मशीन के पास रहेंगे जब तक ये हैंग रहेगी मशीन, उसके अंदर 8-9 सेकंड के बाद खुद कट जाएगा खाता। अगर 8-9 सेकंड बाद हम टाइम बढ़ा देंगे ना, मशीन में टाइम बढ़ता है, तो टाइम बढ़ा दिया तो टाइम बढ़ जाएगा। बटन दबा देते हैं पिन पे, जब पिन पे मशीन रुकी रहती है, इधर की साइड के सबसे ऊपर का बटन जो रहता है, इनकरेक्ट का बटन होता है, उससे टाइम बढ़ता है। तुम इनकरेक्ट करते रहोगे ना, उसे टाइम बढ़ता रहेगा। और जब आरएस पे मशीन होती है विड्राल पे, इधर की साइड का सबसे नीचे का बटन, वो भी इनकरेक्ट का होता है, उससे भी टाइम बढ़ता रहता है। लोग वाकफ होते हैं कि इनकरेक्ट कर रही है मशीन, इनकरेक्ट मशीन करने पर गलत होता है, मतलब मशीन टाइम बढ़ा देती है। एक बार इनकरेक्ट कर दिया, फिर कर दिया, करते रहते हो फिर इनकरेक्ट, वो टाइम बढ़ता ही रहता है। जो अदर मशीन होती है ना, उन पर आती है घंटी, घंटी आती है उसमें 9 सेकंड बाद घंटी आती है, 9 या 10 सेकंड बाद घंटी आती है, घंटी आती है, उस घंटी पर ही घंटी मार देते हैं। इधर की साइड के सबसे ऊपर का जो बटन होता है वो टाइम का होता है, जब घंटी भागी तो घंटी बटन दबा दिया, टाइम मांग ली, वो टाइम बढ़ गया। लोग सोचते हैं कि खाता कट गया, वो खाता कटता ना, टाइम बढ़ गया और खाता चालू हो जाता है। जितनी बार वो मशीन में हम हज़ार बार चाहेंगे ना, 1000 बार टाइम मांगेगी मशीन, 1000 बार तुम टाइम बढ़ा सकते हो उसमें। और मशीन पे ऐसा काम होता है, पंजाब पे ऐसे। और कितना बार अभी तक तुम ये कर चुके हो? मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। कितनी बार ये कर चुके हो? मैं 8-9 बार गया। इस गैंग की जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये है कि ये जाके किसी भी तरीके से मशीन में, जब कोई एटीएम कार्ड होल्डर आता है पैसा निकालने के लिए, उसी टाइम उससे पहले जाकर मशीन को हैंग कर देते हैं। और जब वो एटीएम कार्ड होल्डर जब मशीन को ऑपरेट करता है और हैंग होने की वजह से जब वो पूरी अमाउंट वगैरह सब भर देता है, उसके बाद जब वो पिन कोड नंबर मशीन नहीं मांग रही होती, उससे पहले ही कस्टमर ये सोच के कि शायद ये पिन का नंबर हम जैसे ही देंगे वैसे आगे प्रोसीड करेगी, वो पिन अपना फीड कर देता है, जिसको ये लोग देख लेते हैं। लेकिन वो मशीन हैंग होने की वजह से पिन उस टाइम ना मशीन ने मांगा होता है, ना वो उसको एक्सेप्ट करती है, और पैसा ना आने के चक्कर में वो कस्टमर वहाँ से ये सोच के कि मशीन ख़राब हो गई है, वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये उस एटीएम कार्ड का, मतलब जो 4 डिजिट का जो CVV नंबर होता है, उसको पिन को फीड करके, जैसे ही फीड करते हैं, वो पूरा पैसा जो उसने कस्टमर ने भरा होता है वो निकल आता है और ये पैसा लेके चले जाते हैं।